एक अंकल गन्ना का आटा छे मतलब वाला, तो वो पीछे से उनके लिए झपट निकले आ रहा था। आ रहा था झपट। अरे बाप रे। तो ये देखिए, मतलब ये खेत वाला एरिया है और इस साइड पे गन्ने हैं, तो गन्ने मतलब एकदम पूरे एरिया के बीच में होने से लेपर्ड यहीं छुपता है। क्योंकि देखिए कॉन्फ्लिक्टेड जगह है और शहरों में आज के डेट में लेपर्ड वगैरह का देखा जाना काफी कॉमन हो गया है। अब हम अपने सिटी की बात करें हल्द्वानी, तो यहाँ पे भी कई ज्यादा एरिया ऐसे चिन्हित है जहाँ पे लेपर्ड आए दिनों दिखता है लोगों को। हेलो एवरीवन, साथियों को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोगों के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में। तो अभी हम एक जगह पे हैं, आज से एक दो महीने के पहले की बात है, जहाँ पे गन्ने के खेत में हमने लेपर्ड की साइटिंग करी थी और काफ़ी दहशत में यहाँ के लोग थे क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया के पास ही गन्ने के खेत है। हालांकि अभी भी ये सस्पेक्ट है और अभी भी ये डर है कि गन्ने के खेत के अंदर लेपर्ड हो सकता है। तो ये वो इलाका है जहाँ पे हम आए थे और ये देखिए, मतलब ये रेजिडेंशियल वाला ही एरिया है। अगर आपने हमारा प्रीवियस ब्लॉग देखा होगा तो उसमें मैं वैसे अभी आपको लिंक भी दे दूंगा जो ओल्ड वीडियो थी जिसमें हमने यहाँ पे लेपर्ड की साइटिंग करी थी। तो अभी जो यहाँ वाले हैं गन्ने के खेत भी हल्का हल्का काट रहे हैं, ये डर है कि अंदर हो सकता है गुलदार है। और बाकी मैं आपको ये बता दूं कि अभी कल हम जब ब्लॉग शूट करते थे तो एक भाई गगन भाई, रात का अगर आपने ब्लॉग देखा है तो उसमें उन्होंने बोला था कि एक बाघ के बच्चे को पकड़ लिया। बाघ मतलब कि अक्सर यहाँ लोग गुलदार को बाघ बोलते हैं, तो वो चीज़ एक्चुअल में क्या हुई जानने के लिए हम पहुँचते हैं लोकेशन की तरफ। तो संधू फार्म के आसपास का एरिया बता रहे हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ ग्राउंड जीरो में जाके वहाँ पता करके आपको अपडेट देता हूँ। हेलो, और बाकी जो अभी यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनसे भी थोड़ा हम पूछते हैं कि मतलब काफ़ी दहशत में थे उस टाइम में और उसके बाद मेरा काफ़ी टाइम से आना भी नहीं हुआ। नमस्कार, कैसे हैं? तो मैं तो काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ, तो लास्ट टाइम में हमने यहाँ पे लेपर्ड भी दिखा था। तो अभी आप बताइए कि क्या है, मतलब अभी भी है यहाँ पे या फिर? हाँ, फिलहाल तो अभी है ही यहाँ पे। डर बना ही हुआ है, मतलब परसों देखा था। कहाँ पे? गन्ने के खेत के भारी कितने थे, एक थे या और भी थे? एक ही था। एक ही था। कितना बड़ा? बड़ा था। हाँ, बड़ा था, इतना बड़ा था। और टाइमिंग क्या होगी कुछ? इसी टाइम था। अच्छा, इसी टाइम था, मतलब अभी भी वो यहीं पे है। शाम शाम कोई वो एक अंकल गन्ना का आटा छे मतलब वाला, तो वो पीछे से उनके लिए झपट निकले आ रहा था। आ रहा था झपट। अरे बाप रे, देख लिया, तो देख लिया था। तभी इसका काम रोक दिया है इसी मारे। अब कल से लगाएंगे लेबर, तब काटेंगे। अब फॉरेस्ट वालों का क्या कहना है? वो तो आ ही रहे हैं, वो यहाँ पे रहते हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब जैसे गन्ने की कटाई कर रहे थे पहले कुछ बम धमाका कर रहे थे या सीधे कटाई? सीधे कटाई। अच्छा है, तो कुछ बम धमाका कर भी सकते नहीं, मतलब वो सुतली बम वगैरह फेंक के ना या पटाखे फोड़ के दूर हो जाए वो। इसी टाइम अभी वैसे टाइमिंग भी इसकी है। दिन तो बिल्कुल ऐसे रह गया थोड़ा सा। अच्छा, पास ही अंकल के? हाँ, वो काट रहे थे अपने, वो ध्यान ही ना था उनका, तो देखा हमने पीछे तब। मतलब झपट्टा मारने को तैयार था वो? धीरे 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 तैयार था। तो जैसे पहले ये हो रहा था कि बच्चे भी, इसके बच्चे देखे किसी ने? बच्चे तो देखे थे, हमने एक ही देखा, उसी ने देखा। अच्छा, एक ही, उससे पहले कभी दिखे बच्चे? नहीं। अच्छा, आवाज आ रही थी। तो कुछ रिकॉर्ड वगैरह करे? नहीं, नहीं। हाँ, आप लोगों का तो रोज के ही हो गए। और हमने रास्ता बंद कर रखा है, कभी कभार ये बोलते हैं तो बंद ही रहता। हाँ, लोग बाग टहलने भी आ सकते हैं, डर हुआ बच्चे बच्चों का। हाँ, बच्चे से आते ना, खड़े जाते हैं, पहले से आदत है बच्चों की। अब कोई कोई गड्ढों तो नहीं मानते, घुस जाते हैं। हाँ हाँ, थोड़ा हम छत से एक बार एरिया देखते हैं पूरा ना। तो
तो ये है जी, तो ये वो एरिया है। अरे उमेश भाई आओ देखो यहाँ से। तो ये देखिए, मतलब ये खेत वाला एरिया है और इस साइड पे गन्ने हैं। तो गन्ने मतलब एकदम पूरे एरिया के बीच में होने से लेपर्ड यहीं छुपता है और वो रात को निकलता है शिकार करने के लिए। तो अभी के टाइम में वो छुपा होगा और हो सकता है थोड़ा थोड़ा अंधेरा होगा उस टाइम में बाहर की तरफ आए, लेकिन जब बिल्कुल पब्लिक नहीं होगी तब ज़्यादा चांस है कि वो बाहर निकले। तो जी ये है हमारी हल्द्वानी सिटी का आउटर वाला एरिया। और देखिए मतलब ये पहाड़ जो आप देख रहे हैं ना, पूरा शिवालिक की रेंज है और इस साइड पे पहाड़ है और इस साइड को पूरा प्लेन्स एरिया आ जाता है, प्लेन एरिया मैदानी क्षेत्र। तो उसके बीच में ये तराई भाबर का जो एरिया होता है ना, मतलब खेती के लिए बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन अब तो आज के डेट में तो यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट सब भर चुके हैं, प्लॉटिंग हो चुकी है, सारा कंस्ट्रक्शन आ गया है और जो खेती हुआ करती थी वो थोड़ी बहुत ऐसी जगहों में देखने को मिल रही है। और गन्ने के खेत तो शायद ही अब देखने को मिलते हैं, यहाँ पे गन्ने के खेत हैं तो यहाँ पे लेपर्ड भी छुपे होने की बात है। कहाँ पे? वो गेलर पड़ी है। अच्छा वो सफेद सफेद। हाँ मैं बोला तो लाइटिंग में बुखार लाइटिंग में बोला। अबे आइए तुम्हारे पापा। आना है। कहाँ है? ये तो कह रहे गांव गए, कोई चारों खाटू साम गए। है जी। क्या? हाँ। अच्छा उस दिन से इस रोड में नहीं आ रहे होगे। हाँ मतलब पैदल और बाइक में तो खतरा हुआ ही। खैर तो जी भाई इससे आगे तो हमारे भी जाने की हिम्मत नहीं है, लेकिन भाई कहीं पे कुछ एक्चुअली वो छुपता भी ऐसा है ना कि मतलब बहुत ही शानदार तरीके से और मतलब हिलता तक नहीं है, तो ऐसे आइडेंटिफाई करना तो बहुत ही टफ है। तो सावधानी बरतते हैं और थोड़ा हम ही पीछे होते हैं ऐसी जगह पे। उस दिन अटैक कर देता वो अंकल कटाई कर रहे थे ना, आंटी बता रही आ गया था वो बहुत ही पास। लेकिन ये है कि वो भी लास्ट मोमेंट में ही करता है, ऐसे नहीं ना। क्यों से जा ही रहा था और मुझे यहाँ पे दिखा है जंगल आउल। वैसे पहले ही भाग जाएगा, बहुत साइलेंट होता है। कह रहे इस पेड़ में तो काफी आवाजें आ रही है यहाँ से इस तरफ से। यार सीन ही है, मतलब काफी जगह से हमने रास्ता पता करते हुए हम आए तो सही। भैया संधू फार्म को यही जाता है, तो ये भी अब शायद हम वहीं की तरफ चल रहे हैं। तो ये तो आगे जाके मतलब वो लेपर्ड की वैसी जगह में पहुंच जाता है जहां हम रात को आते हैं, क्योंकि अब मुझे याद आया इस रास्ते से मैं गया हूं दीक्षु के साथ।
तो यार एरिया तो ये बता रहे हैं, और यहाँ पे लोग घूम रहे हैं, तो पूछते हैं अभी थोड़ा किसी से। अभी वैसे हमें यहाँ पे मैम और सर मिले थे, तो वीडियो में तो नहीं आना चाह रहे हैं, लेकिन जो उनकी बात थी वो हम बता देते हैं कि जी बात ऐसी है ना, मतलब आप पता नहीं कैमरे के सामने बोल नहीं रहे थे, लेकिन वैसे जब इन्होंने बताया कि कुछ टाइम पहले लेपर्ड दिखा था, और उसके बाद अभी कल की बात है, तो कल क्या वक्त कुत्तों ने कहीं उसको घेर दिया था। देखते हुए भी चलेंगे, मतलब यहीं के आसपास की घटना है, कुत्तों ने जो लेपर्ड का बच्चा बता रहे हो उसको घेर दिया था। अरे यार पीछे क्या था भाई, तो ने उसको घेर दिया था, और उसके बाद फॉरेस्ट विभाग को कॉल की गई और वो उसको लेके गए। अब ये भी मैं क्रॉस चेक करूँगा कि ये सही बात है नहीं है, अगर ले गए तो फिर वही है कि उसकी माँ भी आसपास हो सकती है, और अभी कोई मुझे ऐसा सचेस लग नहीं रहा है कि कोई फॉरेस्ट की टीम भी यहाँ पे डिप्लॉय है, और लोग भी देख सकते हैं जगह पे तो पहुंच गए हैं। और भैया थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे क्या इंसिडेंट हुआ था, कब की बात है भैया, कल की? ये कल की, हाँ। क्या हुआ था एग्जैक्टली? कुत्तों ने घेर रखा था इसका बच्चा ना, हाँ, उसका तेंदुए का, अगर उसको नींद पकड़ते तो मार देते तेंदुए कुत्ते उसको। मतलब बचाया उसको, फिर धनबाद में रुके, जंगलात के हवाले कर दिया था। अच्छा, जंगलात वाले आए हुए, जंगलात वाले ले गए, उन्होंने छोड़ दिया वहाँ जंगल में। जंगल में तो मरी जाना उसे, काम ये कुछ ना कुछ किया होगा, छोड़ा नहीं होगा उसको, अभी अभी अपने तरीके से करेंगे वो, जो है ना यहाँ तो मरी जाता, रेस्क्यू सेंटर में डाला होगा सर, रेस्क्यू डाल दिया होगा। हाँ यहाँ तो फिर वही है, बाकी आप लोगों ने तो रेगुलर और भी देखे थे ना इसकी माँ भी, शायद माँ भी देखी थी इसकी। अच्छा, एक दो दिन पहले माँ यहीं घर में आ गई थी इसके, दोनों के बच्चा भी साथ। थोड़ा रिस्की जगह तो हुई फिर ये, जैसे बच्चे बच्चे फैमिली घूम रहे हैं तो थोड़ा आप लोग ज्यादा ना, थोड़ा जंगल एरिया हो, आप लोग भी बोलना थोड़ा सतर्क रहे ना, क्योंकि माँ अभी खोखार हो गई होगी। हाँ वो तो है, अरे वो ही अरे नहीं छोड़ो, मिले नहला रहे हो भाजना जा रहे मम्मा सुन लेगी, इसकी मम्मा सुन लेगी, तुम्हें बोलो नहीं मारा नहीं फोन करो इन यार, तुम्हें ठंड लग जाएगी। अरे ना शो मैच से बना लिए पापा, तेरी भैन मने नहीं जोड़ दी ना फट, मने नहीं जोड़ दी ना फट, मचेगा बेचारा मचेगा। सब तो पहले पंजे अरे मर चल चाचा जी, है यार भाग गया, भाई साहब अगर कल लोग गगन भाई आए तो उनसे जब हमारी बात हुई तो ये एक्चुअल फैक्ट इसके बारे में पता चला, अदरवाइज तो हम यहाँ पे ना पहुँच पाते ना ये चीज़ हम पता कर पाते। तो यार सीन ही है ना, हम उस लोकेशन से तो आए और वो जो वीडियो थी उस पर हम गौर भी कर रहे और एक्सपर्ट से भी पूछा, तो हालांकि ये है कि वो लेपर्ड तो नहीं है और ना लेपर्ड का कब है, क्योंकि देखने में नहीं लग रहा है लेपर्ड सा, लेकिन ये है कि वो
जंगली बिल्ला हो सकता है। तो लेकिन जो भी है, कहीं ना कहीं लोगों ने तो उसको लेपर्ड ही समझा था, और अगर ऐसी बात होती तो मतलब कहीं ना कहीं काफ़ी सोचने विषय था कि उसको गलत तरीके से ट्रीट किया गया। और कैट फैमिली को वैसे ही पानी से मतलब कई सारी बीमारी आ सकती है, ठंडा पानी चल रहा है और टेम्परेचर भी आजकल हल्द्वानी में 3-4 डिग्री का है, तो वो है। तो बाकी अगर वो लेपर्ड होता तो सोचने विषय होती, और जो हैंडलिंग थी वो काफ़ी गलत थी। हालांकि उस इलाके में लेपर्ड का भी बहुत ज़्यादा कहर है, और अगर वो लेपर्ड का बच्चा होता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि माँ उसको ढूंढने पक्का आती, और आपको पता है कि कितनी अटैकिंग वैसे लेपर्ड होते हैं, और उसका बच्चा अगर खो जाता तो मतलब कहीं ना कहीं से कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ने का कारण रहता। तो बाकी है कि थोड़ा सा वाइल्ड एनिमल के टाइम में ये चीज़ें देखनी होती हैं। पहले तो मतलब फर्स्ट केस में अगर ऐसी चीज़ें सस्पेक्ट दिखती है तो फॉरेस्ट डिवीज़न को कॉल करना चाहिए। तो आजकल फॉरेस्ट डिवीज़न भी तुरंत एक्शन लेता है, जितने हम केसेस देखते हैं सुनते हैं तुरंत आते हैं, तो उनके हेल्पलाइन नंबर भी होते हैं तो वहाँ पर कॉल करना चाहिए। अदरवाइज़ कभी वाइल्ड एनिमल हो तो खुद ऐसे नहीं उठाना चाहिए, उससे बेटर होता कि हम अपने डॉग को कंट्रोल में कर लेते वो ना करके। और बाकी ये होता है कि जैसे पानी की तरफ उसको नहीं डालना चाहिए था, पानी कहीं ना कहीं एनिमल्स के लिए एकदम ठंडा चल रहा है तो दिक्कत हो सकती थी। और बाकी अगर बच्चा अगर वो माना जा रहा था, लोगों ने तो वहाँ वो कंफर्म मान लिया था कि लेपर्ड का बच्चा है, लेपर्ड का बच्चा तो नहीं था, लेकिन अगर बच्चा होता तो बहुत दिक्कत हो सकती थी। इलाकों में लोग चलते हैं, फैमिली होती है, बच्चे लोग होते हैं, क्योंकि लेपर्ड के कॉन्फ्लिक्टेड केस बहुत ज़्यादा होता है, और अगर लेपर्ड ने एक बार अटैक करना स्टार्ट कर दिया तो उससे ख़तरनाक माहिर कोई है नहीं, और उसको पकड़ना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। तो वो चीज़ें सावधानी बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप सबका कर्तव्य होना चाहिए कि लोगों को भी जागरूक करें और ख़ुद भी जागरूक होएं, क्योंकि देखिए कॉन्फ्लिक्टेड जगह है, और शहरों में आज के डेट में लेपर्ड वगैरह का देखा जाना काफ़ी कॉमन हो गया है। अब हम अपने सिटी की बात करें हल्द्वानी, तो यहाँ पे भी कई ज़्यादा एरिया ऐसे चिन्हित हैं जहाँ पे लेपर्ड आए दिनों दिखता है लोगों को। तो जी वही है, और लेपर्ड बहुत माहिर शिकारी भी होता है, लेकिन आज के डेट में मतलब जैसे अर्बन सिटी है, सिटी साइड जो एरिया है सब कंस्ट्रक्टेड हो गया है, ठीक है। पहले ये सारा इलाका जंगल हुआ करता था 8-10 साल पहले, क्योंकि हम पहले भी आया करते थे इस एरिया में, लेकिन आज के डेट में सब कुछ भर गया है। जो पहले से यहाँ रह रहे हैं वो रिलेट कर पाएगा, तो था तो ये जंगल ही, अब वो है कि जंगल के आसपास ही एरिया बन गए हैं, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है कि आप जानते ही हैं। तो जो एनिमल थे उनकी भी फैमिली बढ़ते रहती है, लेकिन वो इधर उधर छुप के रहते इंसानों के बीच में ही हैं, लेकिन कभी इंसानों के सामने नहीं आते, ना कोई नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि हम अक्सर देखते भी हैं सिटी साइड में कोई नुकसान ऐसे सचेस देखने को नहीं मिलते जैसे जंगल साइड में देखने को मिलते हैं। अब जंगल में क्यों होता है, जंगल उसका घर है लेपर्ड का, अगर वो घर पे झाड़ी पे है अपने बच्चे के साथ है तो सडन अगर इनकाउंटर होता है इंसानों से तो वो बचने के चक्कर में अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ क्या है कि वो इंसानों को देखते रहता है और वो हमेशा एक्टिव रहता है, मतलब इंसान उसके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो इंसान ज़्यादा कॉमन है तो वो अपने को छुपाता है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पे लेपर्ड के अटैक नहीं होते, और देखा जाए तो बहुत सारे यहाँ पे लेपर्ड एक्टिव रहते हैं, तो आए दिनों कोई ना कोई खबरें आते रहती है लेपर्ड देखे जाने की। आगे क्या था भाई, यहाँ पे भी कुछ है, अच्छा बिल्ली है, बिल्ली बिल्ली। तो आए दिन खबरें तो आते रहती है, लेकिन सचेस अभी तक ऐसे कोई हार्म नहीं पहुंचता इंसानों में,
और आगे भी ना पहुंचे ऐसी हम आशा करते हैं। जो सिटी साइड में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है वो जस्ट बिकॉज लेपर्ड नहीं चाहता है और वो अपने को दिखाना नहीं चाहता है और ये चीज़ है। बाकी दिल्ली साइड में भी लेपर्ड देखे जा रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि सडन लेपर्ड कहीं से पैदा होके आ गया है दिल्ली में। तो लेपर्ड तो वहाँ पहले से रह रहा था, लेकिन ये है कि अब लोगों के पास सुविधाएँ हैं, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, कैमरे बहुत ज़्यादा हैं, तो लोग देख पा रहे हैं, पहले तक नहीं देख पाते थे। तो वो चीज़ है, बाकी हम लोगों को ही सावधानी बरतनी चाहिए और बस यही है।